आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। जीशान बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट इलेक्शन से घड़ी के सिंबल लेकर मैदान में उतरे। हजारों लोगों ने साथ दिए, नौपाड़ा में रैली निकाली और मीटिंग का इंतजाम करे, जिसमें मौजूद साबिर शेख, वसीम मंसूरी, लियाकत शेख, जाकिर शाह, शाहरुख शाह, अल्तमश तेंबा, शम्स पठान साहब ने प्रोग्राम में साथ दिया। धन्यवाद। इसकी बात करते हैं, आपने जो है बहुत सारे लोगों के घर के हक के लिए आवाज उठाए और लोगों के घर भी टूट रहे थे तो उसको भी बचाए, डेमोलेशन से बहुत सारी चीजें, तो कुछ बोलना चाहिए? लोगों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं और अब्बा भी लड़ते आए, मैं भी लड़ते आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं ये लोगों को पता है कि गरीबों की हक की लड़ाई में अब्बा की जान भी गई है और वो जान हम जाया जाने देंगे नहीं, काम करेंगे और इंशाल्लाह काम की वजह से लोग इतना प्यार करते हैं और लोगों का प्यार झलक रहा है सड़कों पर और ये वोट्स में भी तकसीम होगा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री होगी। गरीब नगर का एनेक्सर को लेके पूरे एरिया का जो लैंड का इशू है उसका रीसिटी सर्वे का ऑर्डर हमने दिलाया है, हर गली में काम किया है, हर मोहल्ले में काम किया है, इतनी बड़ी जो सड़क है वो बनाई है, सब किया है और जनता बहुत समझदार है, जनता देख के हमारा विकास देखेगी, हमारा बलिदान देखेगी और वोट देगी। ये समय, ये वक्त मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, आप सब के लिए, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, हम सब के लिए बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल है। कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसका हमने कभी सपनों में भी इसका हमें इल्म नहीं हुआ था और उसके बाद बहुत सारी अफवाहें फैली, लोगों ने कहा कि जीशान सिद्दीकी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, प्रचार नहीं करेगा और ऑपोजिशन की भी वही चाल थी, गुमराह कर रहे थे और यही सोच रहे थे कि जीशान सिद्दीकी इलेक्शन नहीं लड़े, पर मैंने ये पहले भी कहा है और अब मेरे नौपाड़ा के फैमिली के सामने भी कह रहा हूँ कि मेरा नाम जीशान बाबा सिद्दीकी है और लड़ाई जारी पिछले 20-25 साल में जब मैं नौपाड़ा की गलियां ढूंढी हूँ, नीतीश भाई कह रहे 40 साल का बुढ़ापा, 40 साल की तो मेरी उम्र भी नहीं है तो मैं नहीं जानता बुढ़ापा, मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं नौपाड़ा की गलियां तो मैं घूमा करता था, खेले गए फाइव भाई तो फाइव भाई को भी पता है, बहुत सारे मेरे साथी है, मेरे दो साथी शाहरुख है, अजीज चक्चू है, साबिर भाई है, मेरे अब्बा ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे यही सिखाया है कि कभी भी लड़ाई अधूरी छोड़नी नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि हम डर जाए पर वो यही नहीं जानते हैं कि अल्लाह के अलावा हम किसी से डरते हैं। तो मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करूंगा, मुझे पता है कि पदयात्रा के बीच में, डोर टू डोर के बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, आप सब मुझे मिलना चाहते हो मगर सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है, मगर मुझे यकीन है कि आप सब समझते हो कि इतना बड़े हादसा होने के बाद भी आप सबके प्यार, आप सबकी दुआ की वजह से आज आपका बेटा आपके सामने पहुंचा है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि इसके बाद भी बहुत सारे फितने आएंगे, मगर आपको उनसे ये पूछना है कि 40 साल से उनकी पार्टी ने काम क्या किया है। काम की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं और अब्बा ने यही सिखाया है कि कुछ भी हो सिर झुका के काम किया करो, मगर अगर कोई परेशानी दे तो ये झुका हुआ सर उठ भी सकता है। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, आपने मुझे फिर एक बार इधर बुलाया कि आप सब, मुझे यकीन है कि नौपाड़ा में अगर 100 वोट गिरे तो पूरे के पूरे 100 वोट मुझे गिरेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे वोटों को तकसीम करने के लिए, मगर इस वक्त पे अगर मैंने आपसे वोट मांगा तो ये शर्म की बात होगी, मैं हक से कह सकता हूँ कि हमारा ये फैमिली है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से
फिर एक बार विधानसभा जाऊं और आपकी आवाज को बुलंद करूं। जय महाराष्ट्र, जय भीम आजाद। अस्सलाम वालेकुम। भाई मोबाइल थोड़ा साइड पे कर लेंगे। जिसान चिड़की की मोहब्बत ने यहाँ पर लाई है और ये मोहब्बत ऑड में तब्दील करके हम
हिम्मत दिखाएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे ना जिंदगी संघर्ष करो, जिंदगी संघर्ष करो। किसान भाई यहाँ पर आ रहे हैं, किसान भाई ये लहर देखेंगे और कहेंगे मतलब अभी से ही छूट गया हूँ भाई, ये लहर सिर्फ छूट की लहर है, देखिए कितनी लहर है, कहाँ तक के लोग नजर आ रहे हैं।